भोपाल में डिस्टेम्पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर है। आग में करीब 35 लाख का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना बैरागढ़ इलाके के भौरी बाईपास की है। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। तो भोपाल की तस्वीरें हैं, डिस्टेम्पर फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 35 लाख का इस आग की वजह से नुकसान हो गया होगा। आग किस वजह से लगी है अब तक कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, आग बुझाने का काम चल रहा है। भौरी बाईपास की घटना है जहाँ पर ये डिस्टेम्पर फैक्ट्री स्थित थी और वहां पर आग लग गई। देख सकते किस तरीके से घने धुएं से पूरा इलाका भरा हुआ है क्योंकि आग इतनी भयावह है। पेंट की ये फैक्ट्री है जिसकी वजह से आग बड़ी तेजी से आगे बढ़ी और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर डिस्टेम्पर फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल की 15 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया क्योंकि आग की स्थिति बहुत ही भयावह है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भयावहता से ये आग फैली है। पूरा इलाका काले धुएं से भर उठा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार कोशिशें की जा रही आग पर काबू पाने की। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लाखों के नुकसान का अनुमान है। लगभग 35 लाख का पेंट जलकर खाक हो गया। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आग किन कारणों से लगी। हालांकि जानकारी मिलते ही आग की दमकल की 15 गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया। इस वक्त मौके पर 15 गाड़ियां पहुंची हुई हैं। दमकल की भौरी बाईपास की एक घटना है जहां पर डिस्टेम्पर फैक्ट्री थी और वहां पर आग लग गई है। केमिकल और ऑयल होने की वजह से आग बड़ी तेजी से फैली और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आसपास का इलाका है वो धुएं धुएं से काले धुएं से भरा हुआ है। हेलीकॉप्टर से भी पानी डालेंगे क्या? और ऊंची लपटें आग की उठ रही हैं, पूरे तरफ धुएं का गुब्बार ही दिख रहा है। क्योंकि डिस्टेम्पर की फैक्ट्री थी, आग बड़ी ही तेजी से फैल गई। लाखों का सामान इस फैक्ट्री में जो था वो जलकर खाक हो गया है और जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये कि 35 लाख से ज्यादा का इस आग की वजह से नुकसान हुआ है। हालांकि ये गनीमत रही कि ये डिस्टेम्पर फैक्ट्री बाईपास पर स्थित थी। इस तरह की अगर आग किसी रिहायशी इलाके में लगती है तो नुकसान और कहीं ज्यादा हो जाता है क्योंकि इस तरह की आग से आसपास की इमारतें, आसपास के दुकान भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और भयावहता कहीं ज़्यादा हो सकती है। आप देख सकते हैं डिस्टेम्पर फैक्ट्री जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर आसपास में और कोई फैक्ट्री भी नहीं है, कोई रिहायश भी नहीं है। ये एक अच्छी बात रही कि पूरा का पूरा नुकसान जो है यहीं पर केंद्रित रहा, आसपास के इलाकों तक ये आग नहीं फैली। हालांकि पूरा फैक्ट्री जलकर खाक हो गया है। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और लगातार कोशिशें की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके और अभी तक वहां पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। 15 गाड़ियों को भी आग पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रही होगी। ऊंची ऊंची लपटे, हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है, कभी खबर ये नहीं है कि किसी के इस आग की वजह से हताहत होने की खबर है कि नहीं है, लेकिन जो अनुमान है 35 लाख से ज्यादा का यहाँ पर नुकसान जरूर हुआ है। भोपाल के भौरी बाईपास पर ये डिस्टेम्पर फैक्ट्री स्थित थी।